गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजौरी गार्डन में गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित होकर विशेष कीर्तन समागम एवं अमृत संचार करवाया गया, जिसमें 45 के करीब प्राणियों ने अमृत के दांत प्राप्त किए। गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष हरमनजीत सिंह, महासचिव मनजीत सिंह खन्ना, धर्म प्रचार के मुखी दिलीप सिंह सेठी, सुंदर सिंह नारंग के द्वारा अमृतपान करने वाले सभी प्राणियों को बधाई दी और अरदास की गई कि गुरु महाराज उन्हें गुरु मर्यादा में निपुण रहने की शक्ति प्रदान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैनू दस्या बड़ी खुशी हो रही है कि असी रजौरी गार्डन सिंह सभा दे विच इत्थे असी एक रखिया सीगा अमृत संचार रखिया सीगा, जिंदे विच ना साडे रजौरी गार्डन तो ना कोई 46 प्राणियां ने अमृत छकिया गया वे। और गुरु महाराज की मेहर के नाल 3.5 घंटे काम चलता रहा, अपना चलता रहा गया वे। जथेदार आए थे, पांच प्यारे आनंदपुर साहब तो आए थे जिन्होंने ना सारियां नूं अमृत छकाया गया वे। तो असी अगों भी उम्मीद रखने गए कि भी जदों भी असी वैसे किया हैगा वे, असी अमृतसर का काम किया हैगा वे, शुरू किया हैगा जदों का ना, तो साल च दो बारी करीदा गया और बड़े अच्छे इस तरह 100-150 बंदे पुराने आते हैं साढ़े को गुरु महाराज की कृपा हैगी है। तो हूँ अगला जोड़ा होगा अप्रैल दे विच असी करांगे जे विसाखी दे, तो जिहड़े भी अपने आप नूं गुरु वाला बनना चाहते ने, खवाना चाहते हैं सच्चे पातशाह दे पंज प्यारियां दे नाल असी बैठ के उन्हां नूं करा देंगे विसाखी दे नैक्सट ईयर असी रखना है प्रोग्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दे आगमन पुरब की खुशी में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजौरी गार्डन विखे 20 अक्तूबर को भाई परमजीत सिंह खालसा आनंदपुर साहब वालों के सहयोग के नाल अमृत संचार का उपराला किया गया, जिदे अकाल पुरख की बड़ी बख्शिश हुई। 45 प्राणियों ने अमृत छक के गुरु वाले बने, उन्होंने सारों बहुत बहुत बधाई। एक गल मैं दसना चाहवागा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हमेशा एक कोशिश रहती है कि वध तो वध संगत जो है वह गुरबाणी के नाल जुड़े, गुरु वाले बढ़न। ये अमृत संचार तकरीबन हर साल ही एक बारी या दो बार जरूर कराया जाता है ताकि वध तो वध संगत गुरु वाले बन सकन। इस स्थान पर सवेरे 4 बजे रोजाना अमृत जो है नित वाहिगुरु सिमरन किया जाता है, उपरंत पंज बाणी का नितनेम हुंदा है। और सनिचरवार और ऐतवार वाले दिन खासकर संगत की सहूलियत लई 5:15 तो 6:15 संगती रूप से वाहिगुरु सिमरन हुंदा है। अते सुखमणी साहब का पाठ रोजाना ही 11:45 तो लैके 12:15 तक किया जाता है। इस तरह महीने च एक बारी जो जिस तरह शहीदां दे गुरद्वारे अमृतसर विखे चौपहरा हुंदा है, वह इस स्थान पर भी किया जाता है और संगत उसका भरपूर आनंद लैंदियां हन। क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी का हमेशा ये उपराला रहा है कि रजौरी गार्डन और आस पास दिल्ली दी संगत वध तो वध बाणी नाल जुड़ सकण। सो एक बार फिर जिन्होंने अमृत पान किया है उन्होंने बहुत बहुत बधाई।